श्री शिवाय दोस्तों उन्तीस अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन अजा एकादशी पड़ रही है इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है कब करना है कहां पर करना है हम आपको इस वीडियो में बता देंगे तो फटाफट सच्ची बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं देखिए कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह गुरुवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनतीस अगस्त दो गुरुवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या चल रही है दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है उनतीस अगस्त दो गुरुवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है तो सबसे पहली बात तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार एकादशी के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय का फल जल्दी मिल जाएगा क्योंकि गुरुवार अजा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है इस 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ आपको कहीं काम से जाना हो तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा प्रदोष काल का रहेगा अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम के छह चार बजे से लेकर शाम के सात याद बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा तो शाम के छह सात बजे से लेकर शाम के सात बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है दोस्तों दो आप सात या रात आठ बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इस इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो क्योंकि 29 अगस्त 2024 एकादशी का दिन है यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में इसलिए जब आपको मका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जितनी भी एकादशी होती है देखिए 24 एकादशी में से अजा एकादशी को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी बहुत ही शुभ समझा जाता है और साथ ही साथ जो होता है यह जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें राजा होता है दूसरी चीज कि अगर यही एकादशी गुरुवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है और दूसरी चीज माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करती है गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं और विशेषकर गुरुवार के दिन अगर आ जाए तो यह सोने पर सुहागा होता है एक दीपक वाला उपाय जरूर करना जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं व्यापार की शुरू शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है।, है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है उपाय कैसे करना है यह आप नोट कर लें देखिए आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप छह हरी इलायची लेनी है अब छह जो अंक होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है तो छह हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए टूटी नहीं होनी चाहिए साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहां पर छह लॉन्ग लेनी है छह लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो टूटी हुई ना हो छह लौंग छह हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में के दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें और अपने घर के के मंदिर में आपको रखनी है माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर आप या शाम को करते हैं तो यह बहुत समय यह रखना है जलाना है माता तो लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है जो मौली धागा आता है एक मौली धागा आता है चिकना वाला है ना रेशमी वो आपको नहीं लेना है सूती वाला जो मौली धागा होता है वह आप लेंगे उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें फिर देखें कैसे चमत्कार होगा देखिए अब आपने छह हरी इलायची और छह लौंग रख दी है ना अब आपको क्या करना है दीपक आपने जला दिया एकादशी वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद अगले दिन नहीं उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है वह हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको दो हरी इलायची और दो लौंग निकाल लेनी है दो हरी इलायची और दो फूल वाली लौंग अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है मंत्र क्या है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको छह बार बोलना है क्योंकि माता लमी का यह प्रिय अंक है छह बार और फिर यह दो लौंग और दो हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले ले पीले रंग का या लाल रंग का उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें देखिए जैसे ही आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी को बहुत है उनको बहुत पसंद है दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है आपके पास पैसे को लेकर आती है धन को बढ़ाने का काम करती है तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे दूसरी चीज आपने जो लौंग रखी है जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी है ना कभी आपकी तिजोरी आपका जो पर्स है वह धन से खाली नहीं तो लौंग और हरी इलायची आप इस दिन किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधे और इसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं आप चाहे अलमारी में रखते हैं संदूक में रखते हैं किसी बक्से के अंदर रखते हैं जहां भी आप अपना धन रखते ना रुपया पैसा सोना चांदी कहने बस वहां पर आपको इसे रखना है जो व्यक्ति अजा एकादशी के दिन इस उपाय को करके अपने घर में यह छोटी सी पोटली बनाकर रख लेता है अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता हर जगह से हर तरफ से हर दिशा से जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती है ना वहां से भी पैसा आता है तो एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है एकादशी का गुरुवार के दिन पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन ही पढ़ रहा है तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय की जो कि हमारा दूसरा उपाय है और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है तो देखिए आपको करना क्या है आपको दो छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं इसको जलाने के बाद इसका जो धुआं होगा बस वह अपने पूरे घर में है ऐसा समझ लीजिए जो व्यक्ति अजा एकादशी दो कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह फैला देता है ना उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं नेगेटिव एनर्जी है न नकारात्मक ऊर्जा नजरदोष जैसी चीजें दूर रहती हैं क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी दोष हो बुरी शक्ति हो दूर कर देता है दूसरी चीज आपके घर के आसपास भी यह चीजें नहीं भटकती हैं और जब यह चीजें आपके घर में नहीं होंगी ना तो आपके उपाय भी सफल होंगे आपके घर में पैसा भी आएगा आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे तो अपने घर में आप एकादशी वाले दिन दो कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद